वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं पाक फ़िश टीवी दोस्तों पाक फ़िश टीवी की जानब से आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मुकम्मल तरीका कि अगर आप मछली का शिकार करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो पूरी देखें आपको मछली का शिकार करना बिल्कुल आसान लगेगा जी हाँ दोस्तों मछली के शिकार के लिए आज की वीडियो बनाई गई है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी टीम वर्दी चेंज करने में मसरूफ है यानी कि अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं पानी के अंदर दाखिल होने के लिए पानी काफ़ी गहरा है तो इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप शिकार कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारे दोस्त पानी के अंदर दाखिल हो गए हैं अभी इस पानी के अंदर हम देखें कि ये पट्टी लगा रहे हैं इसको चुरांग पट्टी बोलते हैं ये पट्टी इसलिए लगा रहे हैं कि जो भी बड़ा दाना इधर उधर गुजरेगा इस पट्टी में टकराएगा वो इसमें फांस जाएगा और इसमें मछली का शिकार करना बिल्कुल बड़ी मछली का शिकार के लिए आपको ये चुरांग पट्टी ही चाहिए होगी जो आप पानी के दरमियान में लगा सकते हैं जैसा कि हम लगा रहे हैं आप देख लें बिल्कुल आसान तरीका है अगर आपके पास इस तरह चुरांग पट्टी है आप इसको पानी के अंदर लगा दें जिस तरह ये एक साथी इसके दूसरे किनारे पर जा रहा है ये दरिया की साइड पे एक जगह है जो पहले दरिया का हिस्सा होता था लेकिन अभी दरिया से अलग है इस जगह पर दरिया का पानी रुका रहता है इसलिए आज हम इस पानी में शिकार करेंगे और आपको मुकम्मल तरीका बताया जा रहा है दोस्तों ये चुराग पट्टी हम लगा रहे हैं इसी तरह आपने भी चुराग पट्टी लगा लेनी है और जिस तरह हम लगाएंगे इसी तरह अगर आप चुरांग पट्टी लगा कर छोड़ देते हैं तो एक घंटा आधा घंटा दो घंटे यानी कि वेट करें बैठें इसके ऊपर जिस तरह इसके अंदर कोई मछली फंसेगी तो आपको जाल बता देगा यानी कि जाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा हिलने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर मछली आ चुकी है क्योंकि जब मछली फंसती है तो वो फड़फड़ाती है और जाल जो है ना हिलने लगता है तो पता चल जाता है तो ये हमने चुरांग पट्टी लगा दी है इसी तरह छोटी मछली जो होती है आधा किलो से नीचे का जो साइज़ है उसके लिए दुरांग पट्टी है वो हम अलग से लगाएंगे ये बड़ा दाना जो है आधा किलो से ऊपर किलो दो किलो तीन किलो का दाना जो होता है इससे अगर ज़्यादा है तो वो भी इसमें आ जाएगा इसको चुरांग पट्टी बोलते हैं इसके साथ साथ हम अभी जो दूसरी पट्टी है वो भी लगाएंगे और आपको तरीका दिखाएंगे ये साथ ही हमारे जा रहे हैं दूसरी पट्टी लगाने के लिए तो अभी दूसरी पट्टी जब लगा लेंगे तो उसके बाद इन अंदर ख़ुद खुद जो है ना मछली इधर उधर गुजरने से भागने से पानी के अंदर चूँकि मछली एटोमेटिक चलती रहती है तो इस पट्टी लगाने का मकसद सिर्फ़ यही है कि जो मछली इधर उधर दौड़ रही होती है वो इसमें आकर फंस जाती है और हम उसको शिकार कर लेते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मछली का शिकार सीखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें और देखते रहें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके तो दोस्तों ये हम दूसरी पट्टी लगा रहे हैं जिसके अंदर छोटे साइज़ का दाना भी फंस सकता है तो इसको दुरांग पट्टी बोलते हैं तो ये भी अभी हम मुकम्मल लगा देंगे और उसके बाद आप किनारे पर बेशक बैठ जाएं आधा घंटा घंटा वेट करें जिस हिसाब से मछली पानी के अंदर होगी उसी हिसाब से आपका शिकार होगा अगर पानी के अंदर मछली ज़्यादा है तो आप ज़्यादा शिकार कर सकेंगे अगर कम है तब भी आप शिकार ज़रूर कर सकेंगे तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये था मुकम्मल तरीका जो कि हमने आपको बता दिया इस तरह से आप किसी भी पानी में पट्टी लगा दें तो आप मछली का शिकार कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने पट्टी लगाई है और एक दाना इसके अंदर आकर फंस गया है जिसे हमने शिकार कर लिया तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था आपको बताना कि अगर आप भी मछली का शिकार करना चाहते हैं तो इस तरह से दो पट्टियाँ ले लें और पानी जा